अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम असमतुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी ए आई ओ यू। आज की इस वीडियो के अंदर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तुलबा के लिए एक गुड न्यूज़ है, जिसमें बीए बीकॉम बीएस बीएड एडीई और बीबीए वाले स्टूडेंट शामिल हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीए वाले, बीकॉम वाले, बीएस बीएड एडीई बीबीए वाले, उनसे पहले बात कर लेते हैं कि उनका जो रिजल्ट है उसके हवाले से अपडेट आ चुकी है फाइनली तौर पर। उससे पहले बात कर लेते हैं कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी कि एफ ए आई कॉम का सेमेस्टर आटम 2021 का रिजल्ट जो है उसको अपडेट कर दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने ये अपडेट दे दी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद आपने वो वीडियो देख लेनी है। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट को फाइनली तौर पर अपडेट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं बी ए बी कॉम बी एस बी एड ए डी और बी बी ए के बाद स्टूडेंट्स के हवाले से। जब भी यूनिवर्सिटी रिजल्ट अनाउंस करती है तो एक कॉमन सवाल आता है कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज की वीडियो के अंदर इन्हीं के रिजल्ट के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बीए बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के हवाले से। इनका असाइनमेंट के रिजल्ट और पेपरों का रिजल्ट जिस तरह मैट्रिक और एफए का आया, इसी तरह ही यूनिवर्सिटी इकट्ठा अनाउंस करेगी। असाइनमेंट के रिजल्ट पहले अनाउंस नहीं करेगी, पेपरों का रिजल्ट और असाइनमेंट के रिजल्ट इकट्ठा एक ही दिन अनाउंस करेगी। डेट के हवाले से बात कर लेते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि 25 जुलाई 2022 को बीए बीकॉम एसोसिएट डिग्री का रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी फाइनली तौर पर अनाउंस कर देगी। और पिछले सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ने बीए बीकॉम बीएस बीएड इन चारों क्लासेस का इकट्ठा रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, और इस दफा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी इकट्ठे ही अनाउंस करे। तो आप लोगों का रिजल्ट बीएस वालों का और बीएड वालों का रिजल्ट भी 25 जुलाई 2022 को आ जाएगा। अगर इस डेट को नहीं आता तो 25 जुलाई के बाद आएगा। और इसके अलावा एडीई वाले और बीबीए वाले, इनका रिजल्ट भी उम्मीद यही की जा रही है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में आएगा। और इनका जो वर्कशॉप का रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी अलग से अनाउंस करेगी, उसके बाद मैं आपको अपडेट दे दूंगा। हो सकता है जुलाई के पहले हफ्ते में आप लोगों की वर्कशॉप का रिजल्ट आ जाए और जुलाई के आखिरी हफ्ते में आप लोगों का मुकम्मल रिजल्ट यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दे। हो सकता है कि इस डेट्स के अंदर कोई चेंजिंग हो जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि यही डेट्स कन्फर्म है। मजीद कोई इसके हवाले से अपडेट आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो जुलाई के महीने तक इंतजार करें। जुलाई के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी फाइनली तौर पर आप लोगों का असाइनमेंट का रिजल्ट, पेपरों का रिजल्ट और वर्कशॉप का रिजल्ट अनाउंस कर देगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।